हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं द क्रिकेट डायरी। द क्रिकेट डायरी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, इस मैच के बाद आज मतलब 14 अक्टूबर को जो मैच हुआ, इस मैच के बाद क्या मतलब वर्ल्ड कप की कौन कौन सी टीमों को कैसे पॉइंट टेबल हुआ है, पॉइंट कैसा हुआ है, कौन टीम कितने आगे हैं पीछे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आने वाले कौन कौन से मैचेस होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में टीम का मतलब लिखा गया, यहाँ पर इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इस तरीके से टीम का नाम मेंशन किया गया उसके फ्लैग के साथ। इसके बगल में आपका पी लिखा हुआ, डब्ल्यू लिखा हुआ, टी लिखा हुआ, एल लिखा हुआ, पीटी लिखा हुआ। पी मतलब कितने मैच खेले हैं, तो इंडिया ने अभी तक 3 मैच खेले हैं और उसमें 3 में उसको जीत मिली है। डब्ल्यू मतलब विन, 3 मैच में उनको जीत मिली है और उनको टाई एक भी नहीं किया है और उन्होंने एक भी लॉस मतलब एल मतलब लॉस उनको एक भी उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है, तो इनका पॉइंट होता है 6। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड पोजीशन में कौन है, तो सेकंड पोजीशन में न्यूजीलैंड है जिन्हें उन्होंने 3 मैच खेला है और 3 में उनको जीत मिली है, तो ये भी सेकंड पोजीशन में है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका अगर बात करें तो 2 मैच खेला उन्होंने और 2 में उनको जीत मिली है, तो इनका पॉइंट अगर इनका भी पॉइंट ऑफ 4 आया है। और इसके बाद फिर पाकिस्तान से मतलब लास्ट में है, चौथे लास्ट में है, इसका पॉइंट इन्होंने 3 मैच खेला है जिसमें से 2 जीते हैं, 1 हारा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट टेबल है। वहीं अगर हम बात करें कि अगला मैच कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि अगला मैच आज जैसे कि 15 अक्टूबर है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर को जो कि संडे को मैच होगा इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में, और इंडियन टाइम के अनुसार 2 बजे ये मैच होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 16 अक्टूबर को कौन सा मैच होगा, तो 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होगा और फिर उसके बाद 17 को होगा साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच में होगा। वहीं अगर हम बात करें इंडिया कब मैच खेलेगा, तो इंडिया का मैच होगा 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ, 2 बजे होगा। ये काफ़ी रोमांचक मैच होने वाला है क्योंकि इंडियन टीम की काफ़ी मतलब हौसला बुलंद है। इसके अलावा अगर बात करें कि इंडिया फिर अब कब खेलेगा, तो इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा 22 अक्टूबर को, जो कि वो भी 2 बजे होगा। तो ये थोड़ा शेड्यूल है और ये थोड़ा पॉइंट टेबल मैंने डिस्कस किया है। कैसे लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करिए जरूर बताइएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।